विश्व शांति के लिए डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ जी ने अध्यात्म के बाद विज्ञान को साथ में लिया है। अध्यात्म और विज्ञान और भारतीय संस्कृति को साथ में लेकर शिक्षा का जो रूप प्रस्तुत किया है और शिक्षा के उस रूप को हजारों लाखों करोड़ों छात्रों तक पहुंचाने का काम किया है। संपूर्ण विश्व में मानवता की रक्षा के लिए डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ ने जो काम MIT से प्रारंभ किया है, राजबाग से प्रारंभ किया है, पूना से प्रारंभ किया है, ऐसा दिव्य संदेश दुनिया के लोगों को उसी प्रकार प्राप्त हो रहा है जैसे एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में जाकर संपूर्ण विश्व को दिव्य ज्ञान का संदेश दिया था, विज्ञान का संदेश दिया था, अध्यात्म का संदेश दिया था। आज उसी अध्यात्म का संदेश, विज्ञान का संदेश, ज्ञान का संदेश लेकर के डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ माणा गांव बद्रीनाथ धाम के पावन सन्निकट में भगवती सरस्वती की दिव्य मूर्ति की स्थापना करके, संत ज्ञानेश्वर की दिव्य मूर्ति की स्थापना करके, भगवान दत्तात्रेय की दिव्य मूर्ति की स्थापना करके और विट्ठल और रुक्मिणी की दिव्य स्थापना करके, संत तुकाराम की दिव्य स्थापना करके और संगीत की देवी भगवती सरस्वती ने अपनी वीणा के माध्यम से जो दुनिया के लोगों को शांति का संदेश दिया है, उस वीणा को लता मंगेशकर के कर कमलों में देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस वीणा बादनी भगवती सरस्वती की वीणा जो लता मंगेशकर के कर कमलों में थी उसको अयोध्या की चौक में सरयू के पावन तट पर लगाने का काम किया है। मुझे ऐसा लगता है उस दिव्य वीणा के माध्यम से भगवती सरस्वती के दिव्य संदेश को देने के लिए डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ ने समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर चलने का काम किया है। जिस ज्ञान का संदेश, जिस विज्ञान का संदेश, जिस अध्यात्म का संदेश, जिस भारतीय संस्कृति का संदेश महर्षि वेदव्यास जी ने पुराणों में किया, महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत में किया, महर्षि वेदव्यास जी ने भगवद गीता में किया, उस मंगलमय दिव्य भगवद गीता के संदेश को ज्ञानेश्वर जी ने उसकी व्याख्या करके, उसकी टिप्पणी लिख करके, उसकी टीका करके, उसके दिव्य ज्ञान को, दिव्य संदेश को, दिव्य भक्ति को, दिव्य वैराग्य को, कर्म को, योग को समाज के सामने प्रस्तुत करने का काम किया था। आज उसी भगवद गीता के दिव्य संदेश को भगवती सरस्वती के माध्यम से डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ समाज के हर वर्ग के लोगों को सामने लाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।